मैं आपके हिंदी की अध्यापिका आज आपको पढ़ाऊंगी पुस्तक व्याकरण मंथन से पाठ 13 रचनात्मक गतिविधियां संवाद लेखन। संवाद लेखन बातचीत करने की कला को ही संवाद या वार्तालाप कहते हैं। संवाद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए, संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, संवाद विषय के अनुसार होना चाहिए तथा संवाद में एकाग्रता का होना अति आवश्यक है। आइए अब कक्षा में देरी से आने पर अध्यापिका और छात्र के बीच संवाद कैसे होगा और उसे कैसे लिखा जाएगा जानते हैं। यह देखिए, विद्यार्थी जब कक्षा में आता है तब वह अपनी अध्यापिका को कहेगा, अध्यापिका जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उत्तर में अध्यापिका कहेगी तो इस पूरे वाक्य के पश्चात हम अध्यापिका लिखेंगे, साथ में उसके आगे अध्यापिका जो भी संवाद कहेगी उसको लिखेंगे। अध्यापिका हाँ अंदर आ जाओ, पर मुझे यह बताओ कि आज इतनी देर से क्यों आए हो? विद्यार्थी यहाँ विद्यार्थी उत्तर देगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। अध्यापिका आप तो हमेशा समय पर आते हो, तो आज क्या हो गया? विद्यार्थी जी आज मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था तो मुझे देर हो गई। अध्यापिका चलो कोई बात नहीं, आगे से समय पर आना। विद्यार्थी जी अध्यापिका जी। तो बच्चों आपने देखा अध्यापिका और विद्यार्थी के बीच में होने वाले संवाद को हम जो व्यक्ति कहता है उसका नाम पहले लिखते हैं, फिर वह जो भी बात कहता है उसके पश्चात उसकी बात को लिखते हैं तथा आगे दूसरे व्यक्ति के संवाद को लिखा जाता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको संवाद लिखना आ गया होगा। धन्यवाद।